तो ये स्टोरी एक स्पोर्ट्स स्टोरी है जिसमें एक करेक्टर है जिसका नाम चिंटू है, जिसकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है और वह एक होटल में हेल्परी का काम करता है। हर दोपहर चिंटू उस होटल में बर्तन धोने के लिए जाता है। चिंटू की ज़िंदगी एक आम जिंदगियों की तरह लगातार बेकार परिस्थितियों के साथ चलती जा रही थी और वो हमेशा दुखी रहता था। चिंटू उन बच्चों को देखता था जो बच्चे खेला करते थे, घूमा करते थे, बट चिंटू की ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था। चिंटू रोज़ सुबह उठता, अपने काम पे जाता, काम करता और घर वापस आ जाता। चिंटू अपनी ज़िंदगी में एक मेहनती लड़का था और उसके घर के हालात भी कुछ इतने अच्छे नहीं थे कि वो कुछ कर सके या कुछ अलग कर सके। फिर एक दिन जहाँ वो बर्तन धोने जाता था वहाँ पर देखता है कि कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और उनको देख के उसको भी लगता काश मैं भी इनके साथ खेल पाता। तो ऐसा 2-3 दिन लगातार होने के बाद चिंटू को भी वह खेल अच्छा लगने लगा और वहाँ पर वो डेली 5-10 मिनट बिताता। एक दिन चिंटू घर पे लेट पहुँचने के कारण उसके पापा उसको डांट लगाते हैं कि तू इतना लेट आता कहाँ से। फिर चिंटू उदास होके अपने बेड पे सो जाता है और वो सोचता रहता है काश मैं भी उन बच्चों की तरह ही खेल पाता, काश मेरी भी ज़िंदगी ऐसी होती। फिर उसे एक सपना आता है, यार मुझे भी खेलना है वॉलीबॉल। वो दिन रात सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता। पर उसने वहां पर जाना नहीं छोड़ा, वो लगातार उनको देखता था। अगले दिन वो अपने दोस्त विनोद से मिलता है। और चिंटू कैसा है? बस बढ़िया भाई। ऐसा उदास क्यों दिख रहा है? भाई यार मुझे खेलना है। क्या खेलना है तेरे को? मेरे को वॉलीबॉल खेलना है भाई। वॉलीबॉल? ये क्या है वॉलीबॉल? भाई मैं कल देख रहा था, मुझे देखने में ही इतना मजा आया, तो वो सोच मुझे खेलूंगा तो कितना मजा आएगा। अच्छा हाँ भाई, तो मेरे को भी दिखाना वो गेम। अच्छा चल देखने चलते। अच्छा, और विनोद उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो विनोद को भी दिखाता है कि वहाँ पर किस तरीके से लोग खेलते हैं। तो फिर सामने से खेलने वाली टीम आती है और वो लोग अपना खेलना चालू कर देते हैं और यहाँ पर विनोद और चिंटू आपस में बात करते रहते हैं और उनको देखते हैं।
चिंटू तो सही कह रहा था, ये तो देखने में मजा आ रहा है, खेलते हुए कितना मजा आएगा। मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा। तो ये देखते देखते चिंटू और विनोद सोचते हैं कि क्यों ना इनसे कुछ इसके बारे में पूछा जाए। तो तब चिंटू कहता है विनोद से, चल चल इनसे बात करते हैं खेलने की। हाँ चल चल चिंटू चल। भाई हा? मुझे भी सीखना है खेलना। तो आनंद से पूछो। सर मुझे वॉलीबॉल सीखना है। तुमने कभी वॉलीबॉल खेला? नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? चिंटू। विनोद। अगर तुम्हें वॉलीबॉल सीखना है तो कल सुबह 5:30 बजे ग्राउंड पे आ जाओ। ठीक है हम आ जाएंगे। ठीक है कल मिलो मुझे। ठीक है सर। अगले दिन सुबह 5 बजे चिंटू अकेला बैठ के इंतज़ार करता है कोच का, जो जिन्होंने उसको सिखाने के लिए कहा था। अरे चिंटू। जी सर। तो इतनी जल्दी आ गया तू? सर मैं तो 1 घंटे पहले का आ गया था सर। जाओ, तेरा दोस्त कहाँ? विनोद। सर विनोद नहीं आया, उसके घर वाले ने उसे भेजा नहीं सर। अच्छा चल कोई नहीं, हम दोनों प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं आज से। ठीक है सर चलो। चिंटू सबसे पहले तुझे रनिंग करनी है 4 राउंड, ठीक है? उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। चिंटू 4 राउंड मारने हैं, ठीक है? ठीक है सर। चिंटू को ये बात नहीं पता थी कि वो कोच उसका टेस्ट ले रहा था कि क्या वो सही में ही सीखने के लायक है या वो सिर्फ मजाक कर रहा है। इस बात को कोच चिंटू को नहीं बताता और उसका टेस्ट लेने लगता। पर चिंटू काफी मेहनती लड़का था, उससे जो जो कहा उसने वो किया। वो कभी भी किसी चीज को मना नहीं करता था, पर वो थोड़ी देर बाद गिर जाता है। क्या हुआ चिंटू? सर सर कुछ नहीं सर, अभी कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, बैठा था मैं तो तेरा टेस्ट ले रहा था। चिंटू मैं ये देखना चाहता था कि तू सही में सीखेगा कि तू यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करने आया है। चिंटू जो गेम का स्ट्रगल होता है ना, वो हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं तेरा टेस्ट ले रहा था। चिंटू जब तू वॉलीबॉल देखने आया करता था तो मैंने तुझे नोटिस किया था कि तू वॉलीबॉल खेलना चाहता है, ठीक है? और मुझे ये अच्छा लगा कि तू मेरे पास आया और वॉलीबॉल सीखने के लिए तूने मुझसे कहा, ठीक है? तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि तूने ये जो प्रैक्टिस भी अच्छी की, ठीक है? और मैं तुझे आगे से अब वॉलीबॉल सिखाऊंगा डेली। पास हो गया है इसीलिए मैं तुझे वॉलीबॉल सिखाऊंगा, ठीक है? तो कल से आना है। ठीक है सर बिल्कुल। तू बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, ठीक है? अगर ऐसे ही करता रहेगा ना तो तुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आगे चल के, ठीक है? तो ऐसे ही मेहनत करते रहना है तुझको। चलो I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I
I feel like a burden. I saw my life overthinking my purpose. I can't really cry, I'm so used to the hurting. Trauma creeps up at me after I'm over. Oh, I just wanna numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. 30 din baad चिंटू की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और वो एक दिन मैच होता है जिसमें कि चिंटू सही खेलता है और वो पहले से बहुत ही अच्छा फील कर रहा होता है और उसको बहुत ही अच्छा लगता है कि आज वो उनके साथ खेलता है और लोगों ने उसको इतना सपोर्ट किया और चिंटू पहले से काफ़ी गुना अच्छा खेलने लग गया था। तो एक दिन थैंक यू सर, आपने मुझे बहुत अच्छा सिखाया, मैं बहुत अच्छा खेलने लगा हूँ पहले से अच्छा, और आपकी वजह से मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ आप। तो चिंटू बेटा, तुमने लास्ट एक महीने बहुत अच्छी मेहनत की जिसकी वजह से तुम्हारा ये परफॉर्मेंस आया और मैं कोशिश करूँगा कि तुम रेगुलर ग्राउंड पे आओ और तुम्हारा और भी इम्प्रूवमेंट हो वॉलीबॉल गेम में, ठीक। और मैं तुम्हें और भी आगे खिलाऊँ, बस आपको रेगुलर ग्राउंड पे आना है। जी सर, बिल्कुल। चलो तो ऐसे ही ग्राउंड पे आना, और आपको ये जो जितने भी आपके साथ ये प्लेयर खेलते हैं आपको इनको थैंक यू कहना पड़ेगा, क्योंकि ये इन्होंने भी आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है गेम इम्प्रूव करवाने के लिए। तो मैं सबको बुलाता हूँ, एक बार सब चिंटू और विनोद की परफॉर्मेंस के लिए क्लैप कर दो। ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आगे खेलते। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि चिंटू बहुत ही ज़्यादा गरीब था, बट उसने लगातार मेहनत की अपने पैशन के लिए, अपने काम के लिए, ठीक है। और इसमें उस ये कोच का बहुत बड़ा रोल रहा, जो उसके फ्रेंड्स थे, मतलब जो उसके साथ खेल रहे थे, उन्होंने भी उसको बहुत ज़्यादा हेल्प की, जिसकी वजह से चिंटू गेम सीख गया, ठीक है। अगर आप भी अपनी लाइफ में ऐसे ही मेहनत करोगे, ठीक है, और ऐसे ही प्रैक्टिस किसी भी गेम के लिए पैशनेट होगे, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। अगर ऐसा वीडियो अगर आपको और चाहिए तो आप अपने टाइटल्स या टॉपिक्स डाल सकते हो, ठीक है। और चिंटू की परफॉर्मेंस कैसी लगी, विनोद की परफॉर्मेंस कैसी लगी, ठीक है। तो जिसका परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगा उसका नाम भी आपको नीचे कमेंट में मेंशन कर देना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।